यह जे कैल 42 मंदिर के निकट स्थित दो कोठरियाँ। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास ले गया जो भवन के आंगन के सामने और उसके उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतर आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों मंजिलों में छज्जे थे। कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। ऊपरी कोठरियां छोटी थी अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे 3 मंजिला थी और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरी कोठरियां निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थी। जो दीवार कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उनकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था जहाँ लोग बाहरी आंगन से इनमें आते जाते थे। आंगन की दीवारों की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और दोनों ओर के सामने कोठरियाँ थीं। उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था और उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार में से थे। दक्षिणी कोठरियों के द्वार के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था अर्थात पूर्व की ओर की दीवार के सामने जहाँ से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियाँ जो आंगन के सामने हैं वे ही पवित्र कोठरियाँ हैं। इनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वहीं रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियाँ पवित्र है। तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। मंदिर क्षेत्र की माप। जब वह भीतरी भवन को माप चुका तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर वहां का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्व की ओर को मापने के लिए बांस से माप कर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से माप कर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिण की ओर को मापने के लिए बांस को माप कर 500 हाथ का पाया और पश्चिमी ओर को मुड़कर उसने मापने की बांस से माप कर उसे 500 हाथ का पाया। उसने उस स्थान की चारों सीमाएं मापी और इसके चारों ओर एक दीवार थी। वह 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसीलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे।